हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता राठी। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग ऑन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू सीरीज को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे हमारी ऑडिटिंग की एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ऑडिटिंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये सारी एमसीक्यूज की सीरीज पसंद आई है तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉन्टैक्ट्स में जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं वो एमसीक्यू टाइप से होगी और इसका मटेरियल सबको इजीली अवेलेबल हो जाए और इजीली उसके आंसर्स, लॉजिकली उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्हें ध्यान में आए, इस उम्मीद के साथ मैंने ये सारी वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम को फेस करने में ईजी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ऑडिटिंग की फर्स्ट सीरीज के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और अ बिजनेस। अब बुक्स और रिकॉर्ड जो होते हैं बिजनेस के, उनका सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन किसे कहा जाता है? तो ऑडिटिंग इज ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट? स्टैचुटरी एंड प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस, फाइनल, इंटरियम, कैश, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑडिटिंग का काइंड नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज स्टैचुटरी ऑडिट, फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। तो जो इंस्ट्रक्शन और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर देता है उस ऑडिट को क्या कहते हैं? तो वो ऑडिट होता है गवर्नमेंट ऑडिट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है इंटीरियम ऑडिट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड ऑडिट प्लान, ऑडिट नोट, ऑडिट रिस्क, ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिटर को जो काम करना होता है और काम करने से पहले वो जो प्लान ड्राफ्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है ऑडिट प्रोग्राम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाउचर रिलेट्स टू डैश। वाउचर रिलेट्स टू कैश रिसीट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ऑल द अबाव। तो वाउचर्स में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, कैश रिसीट के, कैश पेमेंट के, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के वाउचर बनते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, द स्टैचुटरी बॉडी। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? तो इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश डैश एंड्स। ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है? जब अकाउंटिंग एंड हो जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज ऑप्शनल? ट्रस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, नन ऑफ द अबाव। इनमें से किसके लिए ऑडिटिंग जो है वो ऑप्शनल है? ट्रस्ट और जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए ऑडिट कंपलसरी होता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए ऑडिटिंग जो है वो ऑप्शनल है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिट दैट इज मेड कंपलसरी अंडर स्टैच्यूट इज कॉल्ड स्टैचुटरी ऑडिट। स्टैचुटरी ऑडिट कंपलसरी ऑडिट होता है अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टैच्यूट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? अ पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
Mr. Y, who owes rupees 500 to the company. Mr. Z, the holder of CA certificate. So option D is the correct. Company किसे auditor के नाम से appoint कर सकती है? तो auditor वो होता है जिसके पास CA की degree हो या फिर CA qualified हो. So option D is the correct answer. Next, confirmation of the court is necessary for increasing the share capital, reduction of share capital, conversion of shares into stock and issue of new shares. तो हमेशा reduction of share capital जब भी हमें करना होता है तो हमें confirmation लेना पड़ता है court से. So option B is the correct answer. Next question. Audit means recording business transactions, preparing the final accounts, examination of books, accounts, vouchers, etc. Preparing final accounts. अब auditing का मतलब क्या है? Auditing का मतलब होता है जो books of final accounts हमारे पास ready है, उन final accounts को examine करना. So, option C is the correct answer. Next, auditor shall report on the accounts exclaimed by him to the shareholders, to the court, to the bank, to the general public. ऑडिटर उसकी जो रिपोर्ट बनाता है, जो अकाउंट को उसने एग्जामिन किया है, वो उसे किसे रिप्रेजेंट करने होते हैं या फिर किसको वो देनी होती है वो एनालिसिस, तो वो देना होता है शेयर होल्डर्स को. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सेल ऑफ लैंड इज अ रेवेन्यू रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब सेल ऑफ लैंड, लैंड जो है वो फिक्स्ड एसेट है और फिक्स्ड एसेट यानी कि वो कैपिटल है, तो उसकी अगर सेल होती है तो हमें रिसीट जो मिलने वाले हैं वो कौन सी नेचर में होंगे, तो वो होंगे कैपिटल रिसीट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली, बैंकिंग एंड फिनेंशियल कंपनीज ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओनली. तो सीक्रेट रिजर्व जो है वो कौन क्रिएट कर सकता है? अब सीक्रेट रिजर्व जो क्रिएट करना है वो बैंकिंग एंड फिनेंशियल कंपनीज कर सकती है. सो ऑप्शन बी बैंकिंग एंड फिनेंशियल कंपनीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आइदर होल्ली और पार्शियली, सच एरर्स आर कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल. जब हमारी अकाउंट्स में हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता है, आइदर वो फुल्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा या फिर पार्शियली रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो इस तरह का जो एरर हैपन होता है उस एरर को क्या कहते हैं? तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन में फॉरगॉट होती है कोई एंट्री या फिर एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की जाती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, प्रोविजन्स एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट ऑडिट. अब इनमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो रहा है सभी एसेट्स का, सभी लाइबिलिटीज का, बैलेंस शीट की सभी हेड्स का, तो इसे हम बैलेंस शीट ऑडिट कहेंगे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वाउचिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नोन एज वाउचिंग ऑफ पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर, कैश, सेल्स. तो जब भी हम हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के बैलेंसेस का वाउचिंग करते हैं तो उसे इम्पर्सनल लेजर कहा जाता है, वाउचिंग ऑफ इम्पर्सनल लेजर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फिक्टिशियस असेट, इनटेंजिबल असेट, वेस्टिंग असेट, फ्लोटिंग असेट. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियडिकल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल ऑडिट, इंटेरियम ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, इनकम स्टेटमेंट ऑडिट. पीरियडिकल ऑडिट का दूसरा नाम क्या है? तो पीरियडिकल ऑडिट को ही बैलेंस शीट ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द शेयर होल्डर्स, द डिबेंचर होल्डर्स. अब गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक मे बी टू वेरीफाई द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, to know that all receipts and payments have been properly recorded, to check the internal control system in business, to check
द बैंक बैलेंस। अब जब भी हम कैश बुक का ऑडिट करते हैं तो उसके पीछे एक मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमें पता करना होता है कि हमारे जो सारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए है या नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू चेक द इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्मड कंपनी इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, द इशू ऑफ डिबेंचर, नन ऑफ द अबव। अब जब भी हम ऑडिट परचेस करते हैं और उसमें अगर हमें इशू ऑफ शेयर कैपिटल देखना होता है हमारी न्यूली फॉर्म कंपनी का, तो उसे देखने का एक सही जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, तो हमारा जो शेयर कैपिटल रजिस्टर होता है वो होता है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आर दी स्ट्रॉन्ग एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर क्लर्क इज कॉल्ड एज इंटरनल चेक सिस्टम, जिसमें एक पर्सन का काम ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन से चेक होता है। सो ऑप्शन बी इंटरनल चेक इज द करेक्ट आंसर। द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स, नन ऑफ द अबव। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। अब हम इन्वेस्टिगेशन किस लिए करते हैं? जनरली हम बुक्स ऑफ फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑडिटिंग में, तो वो करते हैं हम हमारे एरर एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, उसी के साथ साथ हमारे जो स्टेटमेंट्स बने हैं उसे वेरीफाई करने के लिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मे बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो शेयर इन तीनों तरीकों से इशू किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन बी सिविल, क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल, ऑफिशियल। ऑडिटर की लाइबिलिटी कौन सी हो सकती है, तो वो सिविल या क्रिमिनल कोई भी हो सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी मस्ट बी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, need not possess any professional qualification। अब जो इंटरनल ऑडिटर होता है हमारी कंपनी का वो कौन होना चाहिए, तो हमारा कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ही मस्ट बी अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रिजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है और उसकी रिजाइन करने से अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो वो कौन फिलअप कर देता है, तो वो जनरल मीटिंग में फिलअप होती है, क्योंकि जनरल मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कस होता है और इसके ऊपर एक डिसीजन होता है कि हमें ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो फिल करनी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट इज वॉलंटरी, कंपल्सरी, एडवाइजेबल, अवॉइडेबल। कॉस्ट ऑडिट जो है अंडर सेक्शन 233B का कंपनीज एक्ट में वो एडवाइजेबल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एट एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, इन दैट केस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट्स अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी, नन ऑफ दीज कैन अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। जब एनुअल जनरल मीटिंग में, हमारी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट पर बात होती है, या फिर डिस्कशन होने के बाद भी अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है, तो इन दैट केस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन कर सकता है, तो अपॉइंटमेंट जो होती है ऑडिटर की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट टू डिटेक्ट फ्रॉड इज बेस्ड ऑन रिलेटेड पार्टी परचेस, रिलेटेड पार्टी सेल्स, द रीस्टेटमेंट ऑफ सेल्स,
omission of a sales transaction from being recovered. अब जो सबसे difficult type होता है fraud detect करने का, जहाँ पर misstatement देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पर होता है? तो जब भी omission of a sales transaction from being recorded, sales transaction का अगर omission कर दिया जाए तो हमें ये detect करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारा fraud कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है. So option D is the correct answer. Next question, professional skepticism requires that the auditor assume that management is dash, reasonably honest, neither honest nor dishonest, not necessarily honest, dishonest unless proved otherwise. अब professional skepticism जो होता है उसमें auditor को या फिर auditor की कौन सी quality को assume किया जाता है, तो neither honest nor dishonest, option B is the correct answer. Next, the use of an audit engagement letter is the best method of assuring the auditor will have which of the following. Audit engagement letter जो होता है वो best method होता है auditor को assure करने का, लेकिन क्या assure करने का? तो options है, auditor will obtain sufficient appropriate audit evidence, management representation letter, access to all books, accounts and vouchers required for audit purpose, cooperation from other auditors. तो हमारी जो audit engagements के लिए हमें एक letter मिलता है, तो वो letter होता है best method assure करने का auditor को कि वो assess कर सकता है हमारी company के सारे books, सारे accounts और vouchers जो भी उसको audit purpose के लिए required रहेंगे. So option C is the correct answer. Next question, an auditor who accepts an audit but does not possess the industry expertise of the business entity should engage experts, obtain knowledge of matters that relate to the nature of entity of business, inform management about it, take help of other auditors. अब ऑडिटर जो है जिसने एक्सेप्ट किया है ऑडिट करने के लिए, बट उसको वो जो इंडस्ट्री का एक्सपर्टाइज है उसका एक्सपर्टाइज या फिर बिजनेस एंटिटी का जो एक्सपर्टाइज है वो पजेस नहीं करता है, तो इस केस में ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? तो ऑडिटर ने जो कुछ भी वो बिजनेस एंटिटी का नेचर है उस नेचर के मैटर्स पर एक्सेस नॉलेज जो है वो ऑब्टेन कर लेना चाहिए और फिर उसको ऑडिटिंग की प्रोसेस में जाना चाहिए. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, audit of banks is an example of statutory audit, balance sheet audit, non-current audit, all of the above. Bank का जो हम audit करते हैं वो statutory होता है क्योंकि बैंकों का audit करना compulsory होता है. साथ ही साथ बैंकों का जो audit होता है वो periodical होता है, तो वो balance sheet audit में भी आता है और वो non-current audit भी होता है. So ये सारे option जो है वो correct है. So option D is the correct answer. Next, in India, balance sheet audit is synonymous to annual audit, continuous audit, detailed audit, statutory audit. Balance sheet audit का ही दूसरा नाम है annual audit, क्योंकि balance sheet जो है वो हम annually prepare करते हैं, उसी का दूसरा नाम annual audit है. So option A is the correct answer. Next, balance sheet audit included verification of assets, liabilities, income and expenditure accounts where appropriate, all of the above. Balance sheet audit में verification जो हम करते हैं उसमें क्या क्या आता है? तो balance sheet audit में हम asset को verify करते हैं, liabilities को भी verify करते हैं, income and expenditure account जहाँ पर हमें उनकी information लगेगी उसे भी verify करेंगे. So ये सारे option जो हैं वो correct है. So option D is the correct answer, all of the above. So friends, this is our first series of management accounting where we have discussed 40 multiple choice questions of auditing. अब ये जो auditing के multiple choice questions हैं ये आपको help करेंगे आपकी exam के लिए, आपकी studies के लिए. दोस्तों, आपको ये सारी सीरीज़ कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले. इन सारी सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके. अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं दोस्तों हमारी दूसरी सीरीज़ में ऑडिटिंग के MCQ टाइप क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.